सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलने की जीत भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों आज है 16 अगस्त और जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने है, सारे हैं सारे हम इस वीडियो में देखेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है आज की वीडियो की वी फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों मैं अन अकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अकेडमी का लर्निंग है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं मैं अपने अन्य प्रोफाइल के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दें तो उसमें क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं दो, जो जो चैनल पर पहली बार भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली पाँच बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वीडियो मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस अभिनेता को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है तो हाल ही में दोस्तों अक्षय कुमार को जो तो सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है यानी ऑप्शन सी राइट है देखिए दोस्तों आपको बता दें जो भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नौ नौवहन जल संसाधन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता पैदा करने के लिए तीन लघु फिल्में लॉन्च की हैं इसके अलावा आपको बता दें कि जो फिल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार ने इन फिल्मों में जो तो अभिनय किया है और इनके डायरेक्टर कौन है श्री आर बाल की डायरेक्टर हैं आपको बता दें कि श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा ब्रांड राजदूत के रूप में श्री अक्षय कुमार के की नियुक्ति की घोषणा की है तो हाल ही में किस अभिनेता को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया अक्षय कुमार को यहाँ पे दोस्तों अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये भी बहुत सारे प्रोडक्ट ब्रांड के जो तो अम्बेसिडर बनाए गए हैं तो आपको बता देता हूँ ये किस किसके ब्रांड एम्बेसिडर बनाए गए हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जी को दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है किसका दरवाज़ा बंद अभियान को उसके अलावा जीएसटी का भी ब्रांड एम्बेसिडर किसको बनाया गया है अमिताभ बच्चन जी को जीएसटी का दरवाज़ा बंद है उसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का भी ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया तो तीन चीज़ों का जो तो ब्रांड एम्बेसिडर है ये दरवाज़ा बंद अभियान के जी के और हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के भी ब्रांड एम्बेसिडर हैं वही दोस्तों बात करें आमिर खान की तो आमिर खान जो है दोस्तों वीवो के ब्रांड है ठीक है वीवो कंपनी जो है मोबाइल कंपनी उसका ब्रांड एम्बेडर है ठीक है बात करें दोस्तों यहाँ पे विराट कोहली की दोस्तों विराट कोहली जो है तो पंजाब नेशनल बैंक है ठीक है पी एन वी के जो ब्रांड एम्बेडर हैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसिडर बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको बता दें जो अतुल भारत के ब्रांड एम्बेसडर हो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद हैं ठीक है इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसिडर है वो है नरेंद्र मोदी जी इसके अलावा सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया गया ए आर रहमान को संगीतकार गीतकार ए आर रहमान को सिक्किम का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है उसके अलावा दोस्तों भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसिडर कौन है वह है दिया मिर्जा ठीक है इसके अलावा स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसिडर कौन है वो है, है, है? है दोस्तों बिंदेश्वर पाठक जो कि बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा तो इनके फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक जिनको कि स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया है इसके अलावा दोस्तों यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेडर प्रियंका चोपड़ा ठीक है और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेडर है माधुरी दीक्षित जबकि हरियाणा के लिए हैं साक्षी मलिक ठीक है तो हाल ही में किस अभिनेता को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेजर बनाया गया है ये बनाया गया अभिनेता अक्षय कुमार को यानी ऑप्शन सी राइट है ठीक है तो ये सारे जो ब्रांड एम्बेजर बनाए हैं इनको आप रट लेना नोट कर लेना क्योंकि ये रेलवे और अन्य एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं इसी तरह मैं हर क्वेश्चन मिक्सअप स्टॉप शेयर करूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए पूरा देखिएगा लास्ट में यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों आज टारगेट रखते हैं सोलह लाइक्स का प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत किस आयोग द्वारा की गई है दोस्तों हाल ही में जो तो पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा ठीक है नीति आयोग देखिए दोस्तों नीति आयोग ने देश में उभरते उद्यमियों को कारोबार से जुड़ने के लिए नए विचार जूरी के सामने पेश करने का अवसर देने के लिए पिच टू मूव नामक एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है इसके अलावा आपको बता दें मोबिलिटी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों और उपप्रमों के समक्ष अपने विचार रख सकते हैं इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतियोगिता विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन के अवसर पर पुरस्कार देंगे अब ये पिच टू मूव क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो पिच टू मूव प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक गतिशीलता समारोह के हिस्से के रूप में नीति आयोग और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है इसके अलावा आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों सात और आठ सितंबर दो को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा और इसका उद्घाटन कौन करेगा अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा ठीक है थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हालांकि मैं आपको नीति आयोग बारे में कई बार बता चुका हूं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया स्थापना का हुई थी तो योजना आयोग के स्थान पर एक जन्म दो हज़ार इसकी स्थापना की गई थी आपको बता दें कि नया आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए थिंक टैंक का कार्य करेगा इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया ने नीति आयोग को जो दोस्तों मुख्य भूमिका है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक तकनीकी परामर्श देने की है ठीक है इसके अलावा नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे अरविंद पनगढ़िया और वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन तो वो है राजीव कुमार आपको बता दें कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है जो वर्तमान में मोदी जी हैं और एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में तो वो है अमिताभ कांत ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है ठीक है बात करें दोस्तों यहाँ पे वित्त आयोग की वित्त आयोग के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है वित्त आयोग के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया कौन से अनुच्छेद में 280 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रहा आर्टिकल 280 के तहत और इसका जो गठन दोस्तों एक अध्यक्ष और चार सदस्यों से मिलकर होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और पाँच वर्ष के लिए की जाती है और दोस्तों पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है तो पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा नोट कर लीजिएगा और जो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों स्थापना हुई थी बाईस नवंबर उन्नीस को कब हुई थी वित्त आयोग की स्थापना बाईस नवंबर उन्नीस को इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों वित्त सचिव जो है वर्तमान में भारत के वो कौन है तो वो हसमुख अधिया वित्त सचिव कौन है वर्तमान में हसमुख अधिया वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है ये या आपको याद रखना है बात बात करें दोस्तों यहाँ पे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ कि निर्वाचन आयोग जो तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा विधानसभा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है इसके अलावा आपको बताया दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तो और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है ठीक है किसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो वो हैं ओम प्रकाश रावत जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे वो थे सुकुमार सेन कौन थे सुकुमार सेन इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल होता है उनके संभालित तिथि से लेकर छह वर्ष

चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हाल ही में महिला राष्ट्रीय टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नामित किया गया है देखिए दोस्तों हाल ही में जो है तो महिला राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया रमेश पवार को किसको रमेश पवार देखिए दोस्तों तो पूर्व भारत के जो तो भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पवार को नवंबर 2018 में आयोजित होने वाले वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी विश्व टी तक के लिए महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के, के रूप में नामित किया गया है इसके अलावा आपको बता दें कि जो बी के सचिव हैं अमिताभ चौधरी ने सूचित किया था कि तुषार अरो अरो के इस्तीफे के बाद जो है तो पिछले महीने पवार को टीम का अंतरिम जो है तो कोच नियुक्त किया गया है ठीक है यहाँ पे दोस्तों बात करें अमिताभ चौधरी की तो बी सी के वर्तमान में सेक्रेटरी हैं सचिव हैं वहीं बात करें रवि शास्त्री की तो रवि शास्त्री वर्तमान में जो तो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं ठीक है मेन कोच हैं रवि शास्त्री वही बी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वह हैं सी के खन्ना कौन है सी के खन्ना है ठीक है और सचिव हैं अमिताभ चौधरी तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नामित किया गया रमेश पवार को ठीक है तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय सेना के किस राइफलमैन मैनेजर में मेजर को सौर्य चक्र सम्मान जो तो प्रदान किया जाएगा तो ये दिया गया है दोस्तों आदित्य कुमार, तो आदित कुमार को यानी ऑप्शन है देखिए दोस्तों भारतीय सेना का राइफलमैन औरंगजेब और मेजर आदित्य कुमार को अठारह अन्य सशस्त्र बलों कार्मिक और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के साथ शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा आपको बता दें कि औरंगजेब जिन्हें मरणोपरांत चुना गया है इनके आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया और बाद में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी द्वारा इन्हें मार दिया गया था ठीक है दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि जो वर्तमान में भारत के वो हैं भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख है वो जनरल बिपिन रावत कौन है जनरल बिपिन रावत है और नौसेना प्रमुख कौन है तो वो है एडमिरल सुनील लांबा बात करें वायुसेना के जो दोस्तों एयर चीफ मार्शल है वो है बी एस धनोवा तो ये तीनों सेनाओं के जो है दोस्तों प्रमुख इनको आपको याद रखना है ठीक है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो भारतीय सेना के किस राइफलमैन को मेजर को शौर्य चक्र पर सम्मान किया गया सम्मानित किया गया तो ये किया गया है आदित्य कुमार को ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत ने नेपाल में तराई रोड परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान रुपये का अनुदान जारी किया है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 470 देखिए दोस्तों भारत सरकार ने नेपाल ने में तराई सड़क परियोजनाओं के लिए 470 मिलियन नेपाली रुपये का अनुदान जारी किया है इसके अलावा नेपाल में भारतीय राजदूत जो हैं मनजीव सिंह पुरी कौन है नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्रालय सचिव मधुसूदन अधिकारी को नेपाल में काठमांडू में चेक प्रदान किया गया है ठीक है यहाँ पे दोस्तों बात करें नेपाल की तो जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नेपाल के वो हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली कौन है खड़क प्रसाद शर्मा ओली वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल की करेंसी है रूप नेपाली रुपया ठीक है तो भारत ने नेपाल ने में तराई रोड परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है तो की है चार सौ करोड़ रुपए नेपाली रुपए में ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ठीक है देखिए दोस्तों आपको बता दें बलराम दास टंडन की बलराम दास जी टंडन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने छत्तीसगढ़ के जो तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया ठीक है इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो तो अजय कुमार ने उन्हें शपथ दिलाएंगे और आपको बता दें दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कार्यकाल के लिए नियमित व्यवस्थित किए जाने तक को अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी ठीक है इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि आर्टिकल जो संविधान के अनुच्छेद तो संविधान का अनुच्छेद जो तो 153 फिफ्टी थ्री में उल्लेख किया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा परंतु एक व्यक्ति को दोस्तों दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है ठीक है एक व्यक्ति को तो जो है तो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं बात करें यूपी के राज्यपाल की वर्तमान यूपी के राज्यपाल है राम नाईक महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है सी विद्यासागर राव ओडिशा के राज्यपाल हैं गवर्नर

ये तो भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में स्पेन के भारतीय दूतावास के रूप में कार्यरत हैं स्पेन के दूतावास के रूप में जो तो वर्तमान कार्यरत हैं आपको बता दें कि पंकज सरन का स्थान लेंगे जिन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और आपको बता दें कि जनवरी दो से दोस्तों सरन भारत के लिए रूस के दूत राजदूत थे वहीं बात करें यहाँ पे पंकज सरन की वर्तमान में पंकज सरन जो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी से डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ठीक है डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर वहीं बात करें अजीत डोभाल की तो वर्तमान में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वो है अजीत डोभाल वहीं बात करें विजय केशव गोखले की दोस्तों तो वर्तमान विजय केशव गोखले जो तो भारत के कौन है ये हैं विदेश सचिव ठीक है कौन है विदेश सचिव वर्तमान में विजय केशव गोखले हैं ठीक है और भारत के लिए रूस के अगले एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया जाया है बाला वेंकटेश वर्मा को चलिए अब देख लेते हैं कल का आंसर कल मैंने क्वेश्चन पूछा था रोजर्स कप दो अठारह की विजेता कौन थे तो ये है दोस्तों राफेल नडाल ऑप्शन बी राइट था लगभग सभी लोगों ने राइट आंसर दिया था अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल आज का सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है क्वेश्चन है एशियाई टूर शीर्षक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फ कौन बन गए हैं ऑप्शन आपके सामने दे रखें थे आपने कल की वीडियोज़ देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा नहीं देखिए जस्ट यहाँ पे भी प्ले होगी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों मैं जो तो आज जो होते एक वीडियो बनाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ज़रूर देखिएगा वर्तमान में भारत में कौन क्या अधिकारी हैं जस्ट यहाँ पे प्ले होगी अभी तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किया हूँ आगामी एग्ज़ाम्स के लिए अगस्त दो तक की पूरी अपडेटेड लिस्ट है एक साल की जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं तो इस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा या फिर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में उसमें भी देख सकते हैं आप ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा वीडियो को ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों जय हिंद बंदे मातरम आपका दिन शुभ हो